हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। मार्केट में सब जगह पर फ्रेश मेथी आई हुई है। आप एक ही टाइप की मेथी खाकर बोर हो गए होंगे, तो ये वाली डिश ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। मसाला मेथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार ले लिया है। उसमें मैं 2 चम्मच यहाँ पर रोस्टेड पीनट और 2 चम्मच तिल्ली ले रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ती, हाफ टी स्पून जीरा, आधा कप मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। और अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। इसी में हम ऐड करेंगे जीरा। अब हमें डालना है एक प्याज, बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। को हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया है, इसमें मैं डालूंगी एक टमाटर बारीक कटा हुआ। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को जब तक वो भून नहीं जाता और टमाटर हमारे गल नहीं जाते, तब तक हम अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सूखे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तुरंत ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं मसाला जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो, और इसे भी हम इसके साथ में अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर 5 मिनट भून लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं तेल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 पानी से धोकर इसे थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है। मेथी के साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं नमक, स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक मैंने डाला है। मेथी सूख कर कम हो जाती है, इसलिए नमक भी आपको कम ही डालना है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और गैस की फ्लेम को हम अभी लो ही रखने वाले हैं। मेथी हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगी है, अब हम इसे ढक देंगे और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। मेथी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसका पानी भी कम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं गरम मसाला 1/2 चम्मच, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, मैं उसमें डालूँगी लहसुन की 4 से 5 कलियाँ कटी हुई और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से कलर आने देंगे। लहसुन को बहुत अच्छे से कलर आ गया है और मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। मैं गैस को बंद कर दूंगी और अब हम लगाएंगे तड़का। लहसुन का तड़का लगाने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे जल्दी से और सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारी मसाला मेथी खाने के लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है और सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।